हेलो दोस्तों, आप सभी का इंडियन कस्टम इन्फो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये इस चैनल का सबसे पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कस्टम क्लियरेंस के बारे में जानना चाहते हैं या कस्टम क्लियरेंस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस आर्टिकल को एक बार ज़रूर पढ़ लें, इससे आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आईसी गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। यहाँ आप होम पेज पर नीचे राइट साइड में देख सकते हैं कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर। कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर पर आप क्लिक करेंगे और आगे आपको एक कैप्चा फिल करने के लिए आएगा। आपको कैप्चा फिल करके आगे सबमिट करना है और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ ट्रेड गाइड ऑन इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ आप देख सकते हैं एक आपको CTH का ऑप्शन मिल रहा है और एक आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको जो प्रोडक्ट आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका CTH यानी कि HS कोड आपको मालूम है तो आप यहाँ वो डाल सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट का नेम लिख के भी यहाँ सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे स्टिकर लिख के सर्च करता हूँ तो देखिए दोस्तों, प्लास्टिक स्टिकर, व्हाट स्टिकर, व्हाट एवर आर नॉट प्रिंटेड, एम्ब्रॉयडर्ड, इम्प्रेगनेटेड, सेलर, पॉलीयूरेथीन फॉर्म, अदर, जैसे इस तरह से आपको अलग अलग वेराइटीज मिल जाएंगे। अब आपको ये देखना है कि आप का जो स्टिकर है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में है। क्या वो पॉलीयूरेथीन फॉर्म में है, क्या वो डिस्पोजेबल है, या वो प्लास्टिक स्टिकर है, जो भी है वो आपको यहाँ देखना है। और फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं हमारा प्लास्टिक स्टिकर फॉर गारमेंट्स आ रहा है और यहाँ अदर में हम ले लेते हैं। जब आप HS कोड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपका रेट ऑफ ड्यूटी टैरिफ परसेंटेज और यहाँ आप देख सकते हैं रेट ऑफ ड्यूटी इफेक्टिव परसेंटेज। दोनों में दोस्तों सिर्फ इतना सा अंतर है, जैसे कि किसी किसी में आपको नोटिफिकेशन बेनिफिट्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से, जैसे कि यहाँ पे टैरिफ के अंदर 15% है और यहाँ पे इफेक्टिव ड्यूटी 15% की जगह 10% या 5% या बेसिक नील भी हो सकता है। तो इसीलिए ये दो वेरिएशंस दे रखा है। जैसे यहाँ पर अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन बेनिफिट है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कौन से आइटम पे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और किस किस को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नीचे को आओगे तो आपको इस कॉलम में अगर आपका प्रोडक्ट का एसेसेबल वैल्यू यानी कि जो आपकी टोटल वैल्यू है इनवॉइस, फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस और अगर कोई अदर चार्जेस है जैसे मिसलेनियस चार्जेस या एक्सपोर्ट चार्जेस है, उन सब का टोटल अमाउंट INR में यहाँ पे एंट्री करके देना है। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ मेरा जो गुड्स का वैल्यू है 2 लाख है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करके इस पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मेरी इस प्रोडक्ट के लिए, इस एसेसेबल वैल्यू के लिए टोटल ड्यूटी अमाउंट कितना है यहाँ आ चुका है। दोस्तों ये काफ़ी आसान है इसको इस्तेमाल करना, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ आना है, आपका प्रोडक्ट सर्च करना है और सिंपली उसको सर्च करना है, उसके HS कोड पे क्लिक करना है जो भी आपके रिलेटेड है और आपको यहाँ पे ड्यूटी स्ट्रक्चर में लाके देके आपका एसेसेबल वैल्यू जो भी है वो डाल देना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से, ये देखिए ड्यूटी अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। दोस्तों आप अगर चाहे तो आप हमारे वेबसाइट इंडियन कस्टम इन्फो का कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको ड्यूटी स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। या नहीं कि जैसे बेसिक ड्यूटी 15 है और सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10 है और IGST 18% है। अगर आपको पहले से ये डिटेल मालूम है तो आप अगर हमारे इम्पोर्ट ड्यूटी कैलकुलेटर में आके सिंपली आपका जो इनवॉइस वैल्यू है वो यहाँ पर इनपुट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ कि मेरा जो इनवॉइस वैल्यू है वो है 200 US डॉलर और एक्सचेंज रेट 72
2 ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ फ्रेट और इंश्योरेंस ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। अगर आपके पास अलग से फ्रेट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं मैनुअली। वैसे बेसिकली ये इनवॉइस वैल्यू का 20% फ्रेट ले रहा है और इंश्योरेंस इनवॉइस वैल्यू का 1.125% ले रहा है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है दोस्तों, और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल है, जैसे बेसिक ड्यूटी है BCD 15% वो एंटर करना है, और सोशल वेलफेयर चार्ज 10% है, और आपकी GST 18% ही एंटर कर देना है। तो यहाँ पे भी आपका टोटल कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे बाइफर्केशन करके बता देगा कि आपका इसमें कितना GST है, कितना बेसिक ड्यूटी है और कितना सोशल वेलफेयर सरचार्जेस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।